आज हम आ चुके हैं वायरल गर्ल के घर हापुड़, जिसका नाम है वंशिका, जिन्होंने एक साल पहले अपनी डांस की वीडियो डाली थी एंड वो अब जाके वायरल हो चुकी है और वो इतनी वायरल है कि बहुत ज़्यादा। और उसके हम घर की कंडीशन दिखाएंगे आपको, ऐसे लेकर उससे मिलवाएंगे भी, सब चीज़ें दिखाएंगे, उसके मम्मी पापा सब, उनके घर कैसा है कैसा नहीं है। तो व्लॉग एंड तक जरूर देखना और व्लॉग कैसा लग रहा है जरूर बताना एंड वीडियो जरूर शेयर करना। बना लो। कुछ अपने बारे में बताओ फर्स्टली, ठीक है? आपने कब वीडियो डाली थी, कब से स्टार्ट करा था? ये वीडियो करीब एक साल पुरानी है। यहाँ पे मैंने डांस करा था, मैं उसी जगह पे खड़ी हूँ, ये वो ही बैकग्राउंड है। अच्छा, यहाँ पे तुम रहते थे? हाँ जी, मैं रहती हूँ, हमारा घर है। अच्छा, यहाँ पर घर है तो आपकी मम्मी कौन है? मम्मी जी मेरी है। अच्छा, ठीक है। आप क्लास वगैरह अपने एजुकेशन के बारे में? मैं 10th क्लास में हूँ, एकेपी इंटर कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। ठीक है, और अब आपकी वीडियो वायरल हो चुकी है तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। चैनल बता दो अपना। मेरे चैनल का नाम है वंशिका ऑफिशियल वीके के नाम से। वंशिका, आंटी आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी। बहुत खुशी हो रही है? तो कौन कौन मिल रहा है? सब अपने परिवार है, बाहर से मिलने, लखनऊ वगैरह से मिले, एक्टर भी मिलने चाहिए, राइटर भी मिलने आए थे, सभी अपना ही परिवार है। चल तो मतलब बहुत अच्छा। अब तुम्हें क्या लग रहा है, अब फैमिली कंडीशन इम्प्रूव हो जाएगी? जी 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 जी, बिल्कुल, मैं मेहनत करूंगी। चलो, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। आंटी आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत। आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। राम लोग तो आप अंकल जी, थोड़ा अपने घर के बैकग्राउंड के बारे में बताओ, आप क्या काम करते हो? मैं तो थोड़ा तेज बोलो ताकि हमारे। मैं तो भाई छोटे मयूरी चलाता हूँ। मयूरी ई रिक्शा के बारे में बात करो। रिक्शा तो आपका डेली का इनकम कितना आ जाता है उससे? भाई वही 400-500। जंगल का भी अपना कर लेती हूँ, भैंस भी रख लेती हूँ और अपना मजदूरी करती हूँ। तो आंटी, जैसा आपकी लड़की एक साल पहले वीडियो बनाई थी, एक साल आपसे पहले की जर्नी कैसी थी आपकी? अब तो लोग आ रहे होंगे तो आपको टाइम। हेलो, देखो हम अपने करते थे, हम बच्चे अपने घर में रहते थे। हकीकत मेरी लड़की है, बंसी का नाम की है। हमने अपने घर में डांस करवाया था, लड़की ने मेरे सामने खुद करा था। साड़ी ली थी ना, बस बलियान के ऊपर बांध कर अंदर डांस करा था, मोबाइल पे लगा ली थी, वो चीज चुड़ गई थी, वीडियो चुरा ली थी।
चलो कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ है ना। तो अब आपका मतलब कोई जो लोग आए हैं आपके पास मिलने, कौन कौन आया? बहुत लोग आ चुके हैं। तो आश्वासन की कोई बोला है कि इसका कुछ सपोर्ट वगैरह कराया है, कुछ ऐसे मिलकर चले? अभी ऐसे मिलकर जा रहे हैं, मगर वैसे अपने में नुकसान है इस लड़की को, अपने उत्तर कुमार ने 5,000 रूपए दिए थे, वैसे के मिले थे। अच्छा, और ये ऐसे जाने अपने उसमें चैनल में खींचना चाह रहे अपने ऊपर जा रहे हैं। कोई ऐसा बॉन्ड वगैरह नहीं? नहीं, अभी कुछ नहीं दिया, बस उत्तर कुमार ने दिए थे हमें सिर्फ 5,000 रूपए। केवल उत्तर कुमार ने 5,000 रूपए दिए हैं और किसी ने दिए? लोग आ रहे हैं बस अपने गिफ्ट उफ्ट दे के जाने, जो देखो गिफ्ट देने बच्चे को, ये गुलदस्ते दे के जाने, हाँ गिफ्ट जो भी है। तो आंटी मैं पूछना लग जाऊँ, आपको इस समय सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? जो लोग देखे तो आपकी मदद किस तरीके से? घर बार बार में देखो, जो हम देना चाहेंगे तो देखो अच्छी बात, अपनी बेटी का भविष्य बनाना चाहते, मेरे बच्चे ज्यादा मुझे यू मेरे बच्चे का चैनल सपोर्ट कर, सपोर्ट हो रही मेरी बच्ची का चैनल सपोर्ट कर। मेरे पे दो लड़की है, दो लड़की मेरी, एक अंदर है एक माँ चली गई, लड़के तो छोटे छोटे हमारे, हमारा भी मेरे छोटे छोटे। मेन चीज क्या है कि आपको फाइनेंस की जरूरत है, या कि आपने बच्चों का ये है कि आपके बच्चों का खर्चा वगैरह उठा लिया, तो किस चीज़ की मेन जरूरत है? मुझे तो ये मेन बच्चे की पैरों पर खड़ी हो जाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जो भी इनके पास मदद करना है ना, तो फर्स्टली इनकी फाइनेंस कुछ भी मदद करो, लेकिन इंडिपेंडेंट बनाओ इन्हें, ठीक है? हम भी अपनी तरफ से जो भी हम कोशिश करेंगे, बट जो भी लोग आता है आश्वासन ना देगा जाए, कोई फालतू चीजें ना करे, व्यू बढ़ाने के लिए कोई फेक न्यूज ना चलाए, जो रियलिटी है वो दिखाओ, ठीक है? इनके पापा की हालत देख लो, व्यू चलाते हैं वो ई रिक्शा, एंड मम्मी भी मजदूरी वगैरह करते हैं। कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब खाने वगैरह कैसे, खाना कितना टाइम बनता था, कब बनाया, कैसा बनता था? सुबह शाम, सुबह वो तो ठीक है, खाने में नहीं दिक्कत में है। खाना भारी बनाते हैं, चूल्हे पे बनाती थी, कोई गवर्नमेंट वगैरह से कोई आपको सपोर्ट वगैरह घर बनने थे? वो फार्म भरे हैं मैंने, फार्म भरे मोदी बोर्ड से, अभी अभी आया नहीं नंबर, अभी नंबर नहीं आया, सिलेंडर में दिया था मुझे मोदी के नाम से, मैं कुछ झूठ बोलूं वो भी मिला था, अभी फार्म भरे हैं मैंने इस घर का। चल आंटी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, अपने बच्चे के लिए बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, गर्व कर दिया, नाम ऊंचा कर दिया। अंकल आप कितने साल से ये रिक्शा चलाते हैं, या उससे पहले क्या काम करते थे? उससे पहले तो मैं जो बिजली का काम करता था। अच्छा, और फिर जो उसके बाद में जो मजदूरी करनी, फिर जो रिक्शा ले लिया, खुद ही चौकीदारी करी अपने बच्चों के लिए, और फिर जो मजदूरी ले ली, मजदूरी अपने टाइम काट रहे हैं। अंकल कितना टाइम हो गया मजदूर चलाते हैं? कोई 6-7 साल हो गए, 6-7 साल हो गए। और आप अंकल जैसे जो हाथ वगैरह में प्रॉब्लम है, जैसे आप हाथ पे हम दिखा दो ना, पूरे बाकायदा जो घेरी है उसमें गिरेगी ना, पैरों से बात करना, अंकल कोई दिक्कत नहीं होती, कोई चला नहीं, नहीं कोई दिक्कत। तो अंकल आपके हाथ में कैसा प्रॉब्लम है? ये पीछे आप पहले से मजदूरी करते हो? हाँ जी, मैं पहले से मजदूरी करती हूँ खेती बाड़ी में। मैं देखो झूठ बोल रही ना, पहले से शुरू से मेरी आदत है, मेरे छोटे छोटे बच्चे जे शादी से बाद, शादी से मेरी फिर 3 साल पहले विकलांग हो गए थे, और मैंने अपने बच्चे छोटे छोटे पाले हैं, पढ़ाए हैं मैंने, पढ़ाई बेट में मजदूरी कर करके मैंने टाइम भी इतने बुरे काटे, अस्पताल में बोर की बोर में से निकाल कर रोटी भी खाई है, काली चाय भी पी है मैंने 3 साल, मगर मेरे देखो मैंने बहुत बुरे टाइम काटे अपने बच्चे। कोई बात नहीं, टाइम चलो मालिक ने बहुत अच्छी चीजें कर दी, टाइम सब नसीब की बात है। मैं विपुल, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं वंशिका का ब्रदर हूँ, मौसी का लड़का, और वंशिका ने यहाँ पे ही डांस किया था, जो आकांक्षा अपने आपको बोल रही थी कि मैं आकांक्षा मैंने डांस किया था, वो आकांक्षा सरासर झूठ बोल रही है, और सच में वो मेरी ब्रदर, मतलब मेरी, मैं उनका ब्रदर हूँ और वो मेरी सिस्टर है, उन्होंने जो यहाँ पे डांस करा था, और इनके दादा की जो उसमें फोटो आ रही है, ये इसमें मैन है, और आप बैकग्राउंड पूरा देख सकते हैं, ये बिल्कुल रियल है, और वो जो आकांक्षा है, किरण आकांक्षा जो मैनपुरी की है, वो झूठ बोल रही है, और मैंने धनादारी थाना है
उसने कॉन्टेक्ट किया था मतलब वहाँ के जो एस ओ साहब हैं कि सर मतलब ये उसका क्या प्रोसेस चल रहा है। उन्होंने बताया कि ये इसके जो फादर हैं उन्होंने कंप्लेंट किया हमारे पास में कि मतलब वो किडनैप कर लिया किसी ने, क्योंकि उनकी वो चाल थी। अच्छा अच्छा। उनके मम्मी पापा की वो चाल थी कि हमारी लड़की पॉपुलर हो जाए इसलिए। और वंशिका ने यहाँ पे डांस किया था और हम आपको वंशिका अभी रियल वंशिका से मिलाओ। हाँ, मैं हम आपको रियल वंशिका से दिखाएं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है इतना। देखिए बहुत गरीब है और इसलिए उनके चाचा जी का ऑफिस है, मतलब वो प्रॉपर्टी डीलर है। अच्छा अच्छा। अपने चाचा के ऑफिस में ही है। कभी आप ये सोचो कि मतलब इतनी प्रॉब्लम कैसे होगी, एकदम से ये ऑफिस भी तैयार हो गया। चलो नहीं, इसके चाचा का ऑफिस है, आपको अपनी वंशिका से मिला। ये जो तरह तरह की लड़कियां उठ रही है, मतलब मैं ये सब झूठ है, लेकिन उनसे बोल दीजिए, उनके उनके कमेंट में बोलिए कि अपना आप फोटो दिखाओ, बैकग्राउंड दिखाओ, फोटो लेगा, ये फोटो लेगा ना, मेन फोटो ये उनके दादा आपने देखा ना, ये बैकग्राउंड लेगा, कहाँ से लेगा, कहाँ से लेगा, ये देखो उनके दादाजी की फोटो है जो कि नहीं ले पाएंगे, अरे कोई भी नहीं ले पाएंगे, इस सिस्टम को कोई नहीं बना सकता। चलो वीडियो में बने रहो, मिलते हैं। और उनका जो चैनल है वंशिका आपूड ऑफिशियल पीके के नाम से उनका चैनल है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए हम मिलाते हैं असली वंशिका से। देखिए ये वंशिका, वंशिका कुछ अपने बारे में बताओ कि जो आपके साथ जो एक डेढ़ महीने पहले जो फ्रॉड वाला हुआ था, जो आपके मतलब न्यूज वायरल हुई थी, ये कैसे हुई और क्यों हुई, और आप असली मतलब रियल वंशिका हो ये लोगों को बताओ। हाँ, मैं ही रियल वंशिका हूँ और मैंने ही ब्लैक कलर की साड़ी में डांस करा था। आकांक्षा किरण नाम की लड़की थी, ये सब फ्रॉड है। एक चीज ये बताओ, लोग आपका विश्वास क्यों करे कि आप रियल वंशिका हो? वो ही मेरे घर में बैकग्राउंड है, वो हाँ जहाँ पे मैंने डांस करा था, वो ही मैं आपको जगह दिखा सकती हूँ, वो वाली मुझ पे साड़ी भी है। ठीक है जी। तो आने वाले आपके अब फ्यूचर का क्या प्लान है तुम्हारा? अगर आप लोग मेरे साथ हो तो मैं करके दिखाऊंगी, वीडियो देखना चाहते हो आप तो मैं बनाऊंगी। ठीक है, जो आपके साथ उधर कुमार ने जो ऑफर दिया है तो उसके बारे में बताओ। जी मैं करूंगी। करोगे जी? ठीक है। अब आपका कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ से आप लोगों से जुड़े हो वो बताओ, ताकि हम डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक डाल दें, लोग आपसे जुड़ जाएं। मेरा नाम, मेरे चैनल का नाम है वंशिका हापुड़ ऑफिशियल वीके के नाम से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। अभी लोग हम ये एंड करते हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता है अगले व्लॉग में, बाय बाय।